हेलो दोस्तों, टेलीकॉम ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और आज एक इंडस के साइट पे आए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं और अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये हम देख लेते हैं, अर्थिंग यहाँ पर किया गया। एक्चुअली अर्थिंग जो होता है जब ओडी सिलेब का कास्टिंग करते हैं उसी समय होता है, C3 में आता है ये, बट यहाँ पर नहीं हुआ था तो इस बार किया गया है अभी। तो एक अर्थिंग से दूसरे अर्थिंग का जो डिस्टेंस है यहाँ पर 4 मीटर दिया गया है, 2 8 फीट यहाँ पर बनेगा और एक्चुअली जो एच पर ड्राइंग होता है वो 3 मीटर मिनिमम होता है, तो उससे ज़्यादा है 4 मीटर का। और जो पत्ती दिया गया इसमें वो 50 6 का है, GI पत्ती ग्रिड का, तो विषय को जो कनेक्ट किया गया 50 6 का पत्ती है। और अदर जो पत्ती होगा GI पत्ती जहाँ जहाँ दी जाएगा LA के लिए, टावर बॉडी के लिए या PGB के लिए, वो होगा 25 3 का GI पत्ती। ठीक है दोस्तों, तो ये देख पा रहे होगा इलेक्ट्रिक जो सेफ्टी रेलिंग वगैरह लगा दिया गया है, पेंटिंग थोड़ा बाकी है। तो ये LA के लिए कनेक्ट करके GI पत्ती को रखा गया है, ये जो है LA पे जाएगा। तो हम अभी क्या करेंगे, हम चलते हैं एक बार ऊपर में देखते हैं। ज़मीन से 2 मीटर के हाइट पे है ये फाउंडेशन, तो वहाँ पे आपको बर्टिक का SMPS और बैटरी कैमरा दिख रहा है। हम बैटरी कैमरा के ऊपर खोल करके देख लेते हैं, अभी एक्चुअली बैटरी इंस्टॉल हुआ नहीं है इसमें, तो हम देखेंगे कि ये खाली पड़ा हुआ है। और इसमें केबल का लेइंग कर दिया गया है, ये केबल जो है रेड एंड ब्लैक 35 स्क्वायर mm का कॉपर केबल है जो कि बैटरी के लिए है, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी जो है 300 AH का है जो कि इंस्टॉल होगा अभी, उसका अमर राजा का बैटरी है तो उसका टेक्नीशियन आएगा करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख पे आ रहे होंगे SMPS में रेक्टिफायर 3 है, रेक्टिफायर मॉड्यूल और उसके नीचे कंट्रोलर भी लगा हुआ है। तो ये वर्टिप का SMPS है दोस्तों, ये कंट्रोलर दिख पा रहे होंगे और उसके कंट्रोलर के ऊपर और रेक्टिफायर मॉड्यूल के ऊपर में आपको EGB लगा हुआ है, IGB लगा हुआ है, इंटरग्राउंडेड बस वार। यहाँ पर EGB है अर्थग्राउंडेड बस वार, और ये जो केबल ट्रे है इसको भी हेल्टी का फास्टनर और केमिकल से ग्राउंडिंग कर दिया जाएगा जो कि HY200 केमिकल है, उससे होता है। ये LT पैनल आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे LT पैनल है, यहाँ पे मीटर बॉक्स लगेगा EB का। और चलिए इधर देखते हैं, इस साइड में आपको डक पाइप दिखिएगा ऑरेंज कलर का, ड्यूरागार्ड का है। यहाँ पर EGB आपको दिख रहा है, SMPS और ये आपको SP है 25 KV का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, देखते हुए धन्यवाद।